हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस के बारे में। तो आइए देखते हैं मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस क्या होता है या मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस कर्व क्या होती है। तो द लैगिंग ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड टू द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज कॉल्ड मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस। यानी जो आपके पास इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, यानी अगर हम पहले वाली वीडियो आप चेक करेंगे तो उनमें कुछ फ्यू टर्म्स हमने वहाँ पे डिस्कस की थी, जिनमें आपके पास ये दोनों टर्म्स आई थी। एक तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, यानी जो इंटेंसिटी है मैग्नेटाइजिंग फील्ड की उसको हम एच से शो करते हैं, और जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है उसको हम एम से शो करते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या कहती है, द लैगिंग ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, यानी जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है उसका पीछे रह जाना। लैगिंग ऑफ, लैगिंग ऑफ का मतलब है पीछे रह जाना। दी लैगिंग ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड टू द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, यानी मैग्नेटाइजिंग फील्ड का इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन से पीछे रह जाना ही हिस्टेरेसिस कहलाता है। तो ये कैसे होता है, आइए इसको देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे हमने यहाँ पे ये डायग्राम बना रखा है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम हम इसको अंडरस्टूड करने की कोशिश करते हैं। तो एक्चुअली ये जो हिस्टेरिसिस का केस है, ये जो यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये किस तरह से इस साइकिल को पूरा कंप्लीट किया जाता है। तो यहाँ पे बच्चों, जैसे हमने ये डायग्राम लिया है, तो इसमें हमारे पास एक ये सोलेनोइड है, ये हमारे पास सोलेनोइड है, और इस सोलेनोइड में हमने किसी मैग्नेटिक मटीरियल को रखा है मैग्नेटाइज होने के लिए। तो ऑब्वियसली आपको पता है जो सोलेनोइड है वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा, और जो उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होगा बी नोट इज इक्वल टू म्यू नोट एन आई। और यहाँ पे एन आई जो है बच्चों, वही एच होती है हमारी, जिसको हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली बेसिक क्या है कि हम किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को इस तरह से रखते हैं बच्चों, और पहले हम उसको मैग्नेटाइज करते हैं, फिर हम उसको डीमैग्नेटाइज करते हैं। तो इस मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने का जो प्रोसेस है, इसमें हमारी जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड है वो आपकी पीछे रह जाती है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन से। इसी को हम, यहाँ से जो कर्व हमें मिलती है उसको हम हिस्टेरेसिस कर्व बोलते हैं या हिस्टेरेसिस लूप बोलते हैं। तो ये देखते हैं कैसे होता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे सोलेनोइड लिया, और इस सोलेनोइड में हमने ये मैग्नेटिक मटेरियल रखा अंदर मैग्नेटाइज होने के लिए। तो बच्चों, पहले हम इसको मैग्नेटाइज करने जा रहे हैं, हम इसको मैग्नेटाइज करेंगे। तो ऑब्वियसली जो हमारी यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी इंटेंसिटी एच है, और जो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ये जब मैग्नेटाइज होगा इसके अंदर जो मैग्नेटिज्म आएगा उसको हम एम से शो करते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन से। तो देखिए बच्चों कैसे होगा ये, यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ हम वन बाय वन हर स्टेप को डिस्कस करते हैं इस तरह से। तो सबसे पहले हम ओरिजिन से चलना स्टार्ट किया, तो अभी जब हम इसको मैग्नेटाइज करने जा रहे हैं बच्चों, तो हमें एच को इंक्रीज करना पड़ेगा, यानी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड को इंक्रीज करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमें किसी मैग्नेटिक मटेरियल को फुल्ली मैग्नेटाइज करना है, तो ये तो होगा नहीं कि हम एक प्रॉपर वैल्यू का मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लगा के सिर्फ उसको छोड़ देंगे। क्योंकि अगर एक ही वैल्यू का हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाया, तो हो सकता है इसके अंदर जितने भी डाइपोल होंगे वो सारे के सारे अपने आप को एक प्रॉपर डायरेक्शन में अलाइन ना कर पाए। तो इस वजह से हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज करनी पड़ती है, इंटेंसिटी को इंक्रीज करना पड़ता है, ताकि सारे के सारे डाइपोल अपने आप को एक ही डायरेक्शन में अलाइन कर लें, और इस तरह से कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल जो है वो फुल्ली मैग्नेटाइज हो जाता है। तो यहाँ पे हमें ग्राफ मिलता है इस तरह से कि जैसे जैसे मैं एच को इंक्रीज करता गया, यहाँ पे ये मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज होता गया, और इसके अंदर जो एम है यानी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, वो भी आपकी एक तरह से कॉन्स्टेंट हो गई, वो भी आपकी सेचूरेट हो गई। तो हमें इस तरह का ग्राफ यहाँ से मिलता है, ओ से ए तक का जो ग्राफ है वो हमें इस तरह से मिलता है, यानी एच के साथ साथ एम आपका इंक्रीज कर जाएगा। बट जब ये मैग्नेटिक मटेरियल बच्चों सारा का सारा मैग्नेटाइज हो जाएगा, तो एम की वैल्यू उसके बाद इंक्रीज नहीं करेगी, तो इसलिए हमें सेचुरेशन पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे इस एच को धीरे धीरे जीरो करने की कोशिश करते हैं, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई किया है उसको हम जीरो करेंगे। तो
तो बच्चों जैसे ही हम इसको जीरो करेंगे तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल जो मैग्नेटिक फील्ड हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं उसको तो हम जीरो कर देंगे, बट इसके अंदर जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो जीरो नहीं होती है, यानी कुछ मैग्नेटिज्म इसके अंदर फिर भी बचा रह जाता है, ये मैग्नेट की तरह फिर भी बिहेव करता रहता है। तो इस ग्राफ की हेल्प से हम इसको स्टडी करेंगे, जो ए से बी तक का ग्राफ है। ये जो ग्राफ है यहाँ पे हम जब हम एच को जीरो करते हैं वापस से, तो बच्चों इस बी पॉइंट पे एच तो हमारा जीरो हो जाता है, बट जो एम है वो जीरो नहीं होता। तो इसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, इस एम को जीरो करने के लिए हम विद द हेल्प ऑफ दिस रिवर्सिंग की यहाँ से इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को चेंज कर देंगे, क्योंकि सोलेनोइड में हम इस डायरेक्शन को ऑब्वियसली चेंज कर सकते हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है हमारी, तो यहाँ से जैसे ही हम बैटरी के कनेक्शन चेंज करेंगे, जो डायरेक्शन ये थी अब ये वो डायरेक्शन ये अपोजिट हो जाएगी। तो इस तरह से जैसे हम ये अपोजिट डायरेक्शन करेंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की, तो जो डाइपोल आपके इस डायरेक्शन में अलाइन हो रखे थे और कुछ डाइपोल अभी भी इसी डायरेक्शन में रह गए थे, वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेंगे, और जिस वजह से जो आपका नेट यहाँ पे मैग्नेटिज्म होगा इनसाइड द मैग्नेटिक मटेरियल वो ज़ीरो हो जाएगा। तो इस वजह से हमें अपोजिट डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने की यहाँ पे ज़रूरत होगी, और सी बी से सी तक का जो ग्राफ है हमारा ये इस प्रोसेस को शो करेगा, जिसमें सी पॉइंट पे हमारा जो मैग्नेटिज्म है, जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो ज़ीरो हो जाएगी और एच की एक नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी सी पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ पे जो एच है वो हमने अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई किया था। अब इस सी पॉइंट पे बच्चों क्या होगा कि वापस से जितने भी यहाँ पे जितने भी हमारे पास मैग्नेट डाइपोल थे वो सारे के सारे फिर से रैंडमली ओरिएंटेड हो जाएंगे, क्योंकि सी पॉइंट पे जो एम है उसकी वैल्यू ज़ीरो है। इसका मतलब कोई भी नेट डाइपोल मोमेंट हमारा यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो इसी वजह से सी पे ये वैल्यू ज़ीरो होगी। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हम अपोजिट डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड लगा चुके थे एम को ज़ीरो करने के लिए, अब हम इसी मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज़ करेंगे ताकि आपका जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो अपोजिट डायरेक्शन में फिर से आपका मैग्नेटाइज हो जाए, और जो सी से डी तक का ग्राफ है हमें वो मिलेगा। तो डी पॉइंट पे जैसा ए पॉइंट पे सेचुरेशन आया था वैसा ही डी पॉइंट पे सेचुरेशन आ जाएगा, सारा का सारा मैग्नेटिक मटेरियल हमारा मैग्नेटाइज हो जाएगा। अब वापस से हमें फिर से इसको फिर से हम जो हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया है यानी जो एच है हमारा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, उसको वापस से फिर से जीरो कर देंगे, बट स्टूडेंट्स इसके अंदर जो मैग्नेटिज्म है वो ज़ीरो नहीं होगा और डी से ई तक का ग्राफ हमें मिलेगा। अब वापस से इसको जीरो करने के लिए हमें अपोजिट डायरेक्शन में फिर से मैग्नेटिक फील्ड लगाना पड़ेगा, तो हमें ई से एफ तक का ग्राफ मिलेगा, और एफ पॉइंट जो है हमारा उस पे जो एम है उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी और कुछ एच की वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी। अब वापस से इसको फिर से हम सेचुरेट करेंगे तो यहाँ से फिर से मुझे एफ से ए तक का ग्राफ मिलेगा, और मेरी पूरी की पूरी साइकिल जो है ये कंप्लीट हो जाएगी। इसी इसी साइकिल को हम इसी मैग्नेटाइजेशन की साइकिल से जो ग्राफ हमें मिलता है उसको हम हिस्टेरेसिस कर्व बोलते हैं। तो मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन की जो ये साइकिल होती है, तो इसमें हमने देखा कि जो आपका एम है, जो हमारा एम है, जो हमारा एच है सॉरी, वो एम से पीछे रह जा रहा है बार बार, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस बोलते हैं। नोट्स भी देख लेते हैं ये क्या क्या है इसमें। एन आयरन रोड इज प्लेस्ड इनसाइड द सोलेनोइड एंड करंट इंक्रीज इन सोलेनोइड दैट इज एच इक्वल टू एन आई इंक्रीज इज द आयरन रोड इज मैग्नेटाइज्ड एंड बिकम इन सेचुरेशन एट पॉइंट ए। तो बच्चों जो भी हमने ग्राफ अभी स्टडी किया है वो सारी एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे लिख रखी है। ये ऑन डिक्रीजिंग आई द मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन रोड स्लाइट डिक्रीज एंड व्हेन आई इज जीरो एच इक्वल टू जीरो देन द रोड आयरन रोड इज मैग्नेटाइज एंड द मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन रोड इज कॉल्ड रेजिडुअल मैग्नेटाइजेशन और रिटेंटिविटी। यानी जब हमने एच की वैल्यू जीरो की थी, जब हमने बच्चों एच की वैल्यू जीरो की थी ए पॉइंट से, जब हमने एच को जीरो किया था तो यहाँ बी पॉइंट पे एम की वैल्यू जीरो नहीं हुई थी, यानी जो मैग्नेटिक मटेरियल है उसके अंदर फिर भी कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन बाकी रह गया था, इसी को हम रेजिडुअल मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म बोलते हैं, और इसको रिटेंटिविटी भी बोला जाता है, रिटेंटिविटी। दूसरा है
ऑन इंक्रीजिंग करंट इन रिवर्स डायरेक्शन द मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन रोड इज डिक्रीज्ड एंड बिकम्स जीरो। यानी जब हम अपोजिट डायरेक्शन में एम को जीरो करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे एम आपका जीरो हो जाता है एंड द नेगेटिव वैल्यू ऑफ एच इज कॉल्ड कोरेसिविटी। तो अपोजिट डायरेक्शन में जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया एच, उसकी जो वैल्यू आएगी उसको हम कोरेसिविटी बोलते हैं, कोरेसिविटी। ऑन फर्दर इंक्रीजिंग आई द मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन रोड बिकम इन सैचुरेशन एट पॉइंट डी। तो जिस तरह से सैचुरेशन आपका ए पॉइंट पे आया था उसी तरह से अपोजिट डायरेक्शन में डी पे आता है। नाउ रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड इंक्रीज ग्रेजुअली टिल द मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन रोड बिकम्स इन सैचुरेशन दैट इज एट पॉइंट ए। और वापस से हमें इसको फिर से अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज करना पड़ता है मैग्नेटिक फील्ड को, ताकि ए पॉइंट हमें फिर से मिल जाए और ये सैचुरेट हो जाए। दस ए क्लोज्ड लूप इज फॉर्म्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन रोड एंड सच क्लोज्ड लूप इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस लूप। तो इसी क्लोज्ड लूप को बच्चों हम हिस्टेरेसिस लूप बोलते हैं। द एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप गिव्स द अमाउंट ऑफ वर्क डन विच इज प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट। यानी यहाँ पे जो ये हिस्टेरेसिस कर्व है बच्चों, इसका जो ये एरिया है ये आपका वर्क डन को शो करता है। यहाँ पे जो वर्क हमने मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने में किया है इस मैग्नेटिक मटेरियल को, उस वर्क डन को शो करता है, और वो सारा का सारा वर्क डन एज ए हीट यहाँ पे कन्वर्ट होके आ जाता है। तो यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट टर्म हमने डिस्कस की है, एक तो है रिटेंटिविटी। तो रिटेंटिविटी क्या होती है? द वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ मैग्नेटिक मटीरियल एट विच इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज रिड्यूस टू जीरो। यानी एम की एच की वैल्यू जब जीरो हो तो उस पे एम की जो वैल्यू होगी आपकी, क्योंकि एम नॉट इक्वल टू जीरो होगा, एच इक्वल टू जीरो पे एम नॉट इक्वल टू जीरो होगा, और उसी वैल्यू को हम रिटेंटिविटी बोलते हैं। यानी जो हमारा डायग्राम था, जो हमने ग्राफ ऑब्टेन किया था, इसमें ओ से बी तक की जो ये वैल्यू होगी ये आपकी रिटेंटिविटी होगी, और ओ से सी जो होगा ये हमारी कोरेसिविटी होगी, क्योंकि ओ से सी जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड हमने लगाया था उसको शो करेगा, और ये जो ओ से बी है ये रेजिडुअल मैग्नेटिज्म जो आपके मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर बचा है उसको शो कर रहा है यहाँ पे। तो कोरेसिविटी क्या होगी? द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड एट विच द मैग्नेटाइजेशन ऑफ मैग्नेटिक मटीरियल रिड्यूस टू जीरो इज कॉल्ड कोरेसिविटी। यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वो वैल्यू जिस पे एम हमारा जीरो हो जाता है उसको हम कोरेसिविटी बोलते हैं। तो इस तरह से दो इम्पोर्टेंट टर्म हमने यहाँ पे डिस्कस की, और ये ही हमारा हिस्टेरेसिस कर्व होती है, या इसी लैगिंग बिहाइंड को हम हिस्टेरेसिस बोलते हैं, मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस बोलते हैं। तो इसके काफ़ी सारी एप्लीकेशंस है बच्चों, इसके काफ़ी सारी इम्पोर्टेंस है। जो हिस्टेरेसिस कर्व हमने डिस्कस की है, इसी हिस्टेरेसिस कर्व के बिहाफ पे जो दो क्वांटिटी हमें मिली हैं, दो जो पैरामीटर हमें मिले हैं, दैट इज़ रिटेंटिविटी एंड कोरेसिविटी, और तीसरा पैरामीटर जो ये हिस्टेरेसिस कर्व है इसका जो एरिया होता है वहाँ से हमें एनर्जी लॉस का पता लगता है। तो ये काफ़ी सारे अच्छे पैरामीटर हैं जो डिसाइड करने के काम आते हैं कि हमारे पास जो मैग्नेट हम बनाने जा रहे हैं वो हम किसी मटेरियल को परमानेंट मैग्नेट कब बना सकते हैं, और पर इलेक्ट्रोमैग्नेट किस टाइम पे बना सकते हैं। तो कौन कौन से पैरामीटर होंगे जिसको जो डिसाइड करेंगे, वो रिटेंटिविटी और कोरेसिविटी ही होती है हमारी। आइए देखते हैं किस तरह से हम इनको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट आयरन एंड स्टील। तो बच्चों ऐसा माना जाता है कि जो स्टील होता है उसको हम एज ए परमानेंट मैग्नेट बनाने में यूज़ करते हैं, और जो सॉफ्ट आयरन होता है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में यूज़ करते हैं। तो इनमें डिफरेंस क्या है? क्यों जो स्टील है उसको परमानेंट मैग्नेट बनाया जाता है, क्यों जो सॉफ्ट आयरन है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया जाता है, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, आइए देखते हैं। तो द हिस्टेरेसिस दैट इज मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉफ्ट आयरन एंड स्टील आर स्टील गिव्स डिफरेंस बिटवीन देम। तो डिफरेंस क्या क्या है, सबसे पहले बात करते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी की, यानी म्यू आर। म्यू आर जो है वो हमारे पास होता है म्यू अपॉन म्यू नोट रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। तो रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ सॉफ्ट आयरन इज ग्रेटर देन स्टील। यानी बच्चों जो सॉफ्ट आयरन की मैग्नेटिक परमेबिलिटी है वो स्टील से ज़्यादा होती है। दूसरा रिटेंटिविटी,
द रिटेंटिविटी ऑफ सॉफ्ट आयरन इज ग्रेटर देन स्टील, यानी जो सॉफ्ट आयरन है उसकी रिटेंटिविटी स्टील से ज्यादा होती है। नेक्स्ट इज कोरेसिविटी, द कोरेसिविटी ऑफ सॉफ्ट आयरन इज लेस देन स्टील, यानी जो कोरेसिविटी है वो सॉफ्ट आयरन से स्टील की ज्यादा होती है। हिस्टेरेसिस लॉस, द हिस्टेरेसिस लॉस इज लो फॉर सॉफ्ट आयरन देन स्टील, यानी अगर हम इन दोनों की हिस्टेरेसिस कर्व ड्रॉ करके देखें बच्चों, तो जो सॉफ्ट आयरन है उसकी हिस्टेरेसिस कर्व ये नैरो होती है, लंबी होती है थोड़ी सी इस तरह से, और जो स्टील है उसकी जो हिस्टेरेसिस कर्व है उसका एरिया काफ़ी ज़्यादा होता है और वो छोटी होती है। तो यहाँ पे जो सॉफ्ट आयरन है उसकी रिटेंटिविटी यानी ओ से ये जो परपेंडिकुलर वाई एक्सिस के अलोंग ये जो वैल्यू है रिटेंटिविटी ये ज़्यादा है और स्टील की काफ़ी कम होती है, जबकि जो स्टील है उसकी कोरेसिविटी ज़्यादा होती है उसके केस में, और जो आयरन है उसकी कोरेसिविटी काफ़ी कम होती है स्टील के मुकाबले। तो यहाँ पे इसी वजह से हम जो सॉफ्ट आयरन है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में यूज़ करते हैं और जो स्टील है उसको परमानेंट मैग्नेट बनाने में यूज़ करते हैं, क्योंकि सबसे जो खास बात यहाँ पे है बच्चों वो है कोरेसिविटी की। तो कोरेसिविटी का मतलब क्या है? कोरेसिविटी का मतलब है कि अपोजिट डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को डीमैग्नेटाइज करने के लिए, वो वैल्यू आपकी कोरेसिविटी होती है। तो अगर हमने सॉफ्ट आयरन को मैग्नेट बनाया बच्चों और हम अपोजिट डायरेक्शन में थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, क्योंकि इसके केस में कोरेसिविटी की वैल्यू काफ़ी कम है, जबकि स्टील के केस में कोरेसिविटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब अगर स्टील को हम परमानेंट मैग्नेट बनाएं तो ये काफ़ी लंबे समय तक चल सकता है, क्योंकि बच्चों जो हमारी अर्थ है वो भी एक मैग्नेट की तरह काम करती है और उसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी मैग्नेट को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज कर सकता है, यानी किसी मैग्नेट के मैग्नेटिज्म को अफेक्ट करता है। तो अगर वो सॉफ्ट आयरन के मैग्नेटिज्म को अफेक्ट कर रहा है तो वो जल्दी से उसको डीमैग्नेटाइज कर देगा, जबकि स्टील के मैग्नेटिज्म को वो जल्दी से डीमैग्नेटाइज नहीं कर सकता। इसलिए स्टील हमेशा परमानेंट मैग्नेट बनाने के काम आता है और जो सॉफ्ट आयरन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के काम आता है। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पे जो हमारी हिस्टेरेसिस जो केस हमने स्टडी किया था, हिस्टेरेसिस कर्व को हमने स्टडी किया था, उसकी जो एप्लीकेशन वाइज हम उसको इस तरह से इन मटेरियल को क्लासिफाई करने में कर सकते हैं। थैंक यू।